रतन टाटा एक ऐसी हस्ती थे जिन्हें भारत का आम और ख़ास नागरिक जानता था, किसी और उद्योगपति को जाने न जाने, लेकिन रतन टाटा ऐसे व्यक्ति थे जिनके काम ने हर व्यक्ति को छुआ और इसलिए उनका जाना हर किसी को एकदम से सन्नाटा सा छा गया, हर आदमी जो है एकदम शोक में डूबा। पंजाब के जो सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ, वो एक लाइव म्यूज़िक कॉन्सर्ट में थे, उन्हें जब पता लगा कि रतन टाटा नहीं है तो उन्होंने अपना कॉन्सर्ट रोका और रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा जी बारे तुम सारे जानते हो, उन्होंने देहांत हो रतन टाटा जी का, साढ़े वालों उन्होंने निघी श्रद्धांजलि। रतन टाटा होना तो सू यही सिख, अज उन्हों का नाम लेना जरूरी मैं मैं इस करके लगा क्योंकि उन्होंने लाइफ हमेशा उन्होंने मेहनत की। मैं अज जिन्ना को उन्होंने बारे पढ़िया सुनिया, मैं अज तक उन्होंने बारे कदे नहीं देखा कि उन्होंने किसी बारे बुरा बोलिया हो। हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ च मेहनत की, हार्डवर्क किया, चंगा काम किया, किसी के काम आए। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। जे अज असीं उन्होंने लाइफ तो कुछ सीख सकते हैं रतन टाटा जी तो मैं लगता यही सीख सकते हैं कि मेहनत करनी, चंगा सोचना, किसी बारे काम आना, तो बेदाग अपनी लाइफ जी के गए हो। तो अच्छा सोचना, किसी के काम आना, कुछ नया करना, ये रतन टाटा की खूबी थी और इससे उन्होंने हर आदमी के दिल को छुआ।